हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन नाउ। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड पार्ट 7। इससे पहले दोस्तों पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 ये सब बना चुका हूं और सभी पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड कवर किया है। इसमें भी दोस्तों मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए और वो 25 क्वेश्चन कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं दोस्तों। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ हजार्ड्स इन रोटेटिंग मशीन, जैसे पंप हुआ, पंप जो चल रहा है तो उसमें कितने टाइप्स के हजार्ड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, हाइड्रोलिक हजार्ड्स या थर्मल हजार्ड्स या प्रेशर हजार्ड्स, क्या क्या हैं, कितने टाइप के हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ हजार्ड्स इन केमिकल प्लांट, आपके आपका कोई प्रोसेस केमिकल प्लांट जिसमें आप काम कर रहे हो या किसी भी टाइप का प्लांट है उसमें कितने टाइप के हजार्ड्स हैं। आप जानते हो कि सबसे पहले तो फिजिकल हजार्ड्स होता है, तो फिजिकल हजार्ड्स क्या होता है उसको डिफाइन करिए आप कि फिजिकल हजार्ड्स क्या है, व्हाट इज द फिजिकल हजार्ड्स। दूसरा केमिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स क्या है, इसमें कितने कितने टाइप के इसके केमिकल की प्रॉपर्टी आती है, फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है, कोरोजिव है, ये सारे केमिकल हजार्ड्स में आएंगे। बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं वो भी हम देखेंगे। व्हाट इज लिविंग थिंग हजार्ड्स, लिविंग थिंग्स हजार्ड्स एक बहुत बड़ा हजार्ड्स है किसी भी केमिकल प्लांट में। लिविंग थिंग का मैं छोटा सा हिंट्स दे दूं, जैसे लिविंग थिंग्स जैसे जो जैसे मधुमक्खी हुई या कहीं कहीं आप देखोगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या कहीं भी, तो कौवे अपने घोंसले बना के रहते हैं और अगर आप वहाँ पे कोई ऑपरेशन करने जाते हो, कोई भी वाल वगैरह वो करने, तो वो आप पे अटैक कर देते हैं, मधुमक्खियाँ आप पे अटैक कर देते हैं, या स्नेक हैं, अजगर, सांप जो भी है, वो भी कई कई ऐसे प्लांट हैं जो मैंने 2-3 ऐसे प्लांट भी देखे हैं जहाँ पे ईटीपी प्लांट जो होता है बेसिकली ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वहाँ पर ढेर सारे जानवर, सांप, बिच्छू, तो ये सारे जो हैं। और क्या क्या हैं लिविंग थिंग्स में और क्या क्या रहेंगे वो सारे हम बताएंगे आपको। लिविंग थिंग्स हजार्ड्स क्या है ये आप जानेंगे। साइकोलॉजिकल हजार्ड्स क्या है दोस्तों, साइकोलॉजिकल हजार्ड्स क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साइकोलॉजिकल हजार्ड्स बहुत ही अच्छा है। इर्गोनोमिक हजार्ड्स का मतलब होता है मैन मशीन इंटरफेरेंस, यानी कि ये हजार्ड्स वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जैसे आप कंप्रेसर एरिया में काम कर रहे हो तो कंप्रेसर एरिया के जानते हो कि एक तो वाइब्रेशन और उसकी साउंड लेवल इतनी अधिक है कि मैन और मशीन दोनों में क्या हो जाता है दोस्तों, उस मशीन के साथ काम करते करते जो आदमी होता है उस वो इंटरफेस उसके बॉडी इंटरफेस कर जाते, मतलब कि उसको नींद नहीं आती है टाइम पे और डाइजेशन सिस्टम यह सब कुछ चेंज हो जाता है एकदम। मशीन उस हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर या हाई नॉइस एरिया में वर्क करने से क्या क्या इम्पैक्ट आता है बॉडी पे, वो सब हम इसमें इर्गोनोमिक हजार्स में सीखेंगे। मैन मशीन इंटरफेरेंस, होम सिकनेस या मिसिंग होम हजार्स, ये क्या है दोस्तों, होम सिकनेस या मिसिंग होम हजार्स का मतलब कि जैसे मेरा घर जो है विलेज में है लेकिन मैं यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब हम केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ तो मम्मी पापा या जो भी है अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस समय आप काम कर रहे हो प्लांट में तो उस समय आप जो है आपका पूरा ध्यान उधर चला जाएगा, उस समय हजार्ड्स हो सकते हैं। या एक तरह से कोई अगर घर को छोड़ के आया है तो जो घर का माहौल है यहाँ का नहीं मिला, चाहे वो सीनियर अगर टॉर्चर कर रहे हो तो वो अलग बात है, या कुछ बॉस की डांट सुननी पड़ रही है, क्योंकि घर पे तो हम बहुत आज़ादी से रहे, यहाँ पे आके बॉस की डांट सुन रहे हैं, सीनियर की डांट सुन रहे हैं, या खाने पीने में भी बहुत अपनी पसंद का नहीं है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं एक हजार्स के रूप में होती हैं। ये सारी जो हैं स्ट्रेस टेंशन बॉडी में लाती हैं और उस समय हमारे हजार्ड्स होते हैं, तो होम सिकनेस या मिसिंग होम हजार्ड्स यही होता है। इसके बारे में बहुत अच्छी केस स्टडी में आपको बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस आप जानते हो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे,
वो सारे चीज़ें पूछे जाते हैं और आपको जानना जरूरी है। टाइप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस प्रोफेशनल। दोस्तों जो स्ट्रेस है वो बेसिकली दो टाइप के हैं, एक हमारा पर्सनल होता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं, जो मम्मी पापा के कारण, फैमिली के कारण या अपनी बैड हैबिट के कारण जो भी है स्ट्रेस आता है, और एक प्रोफेशनल जो स्ट्रेस होता है जो बॉस के द्वारा, सीनियर के द्वारा, कैजुअल के द्वारा, मतलब जो जिसके साथ आप काम कर रहे हो उनके द्वारा क्रिएट होता है। मैक्सिमम तो बॉस से ही स्ट्रेस मिलता है हमें। तो ये जो हजार्स क्या हैं और कैसे इनको कंट्रोल करना होता है वो सब हम इसमें सीखेंगे। सबसे अच्छा टॉपिक मेरे लिए यही है दोस्तों, टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, क्योंकि मैं भी जब ये प्रोफेशनल में मुझे भी बहुत स्ट्रेस आए हैं और कैसे उसे मैं हैंडल किया हूँ, सीनियर ने मुझे क्या बताया वो जरूर आपको मैं शेयर करूँगा। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेस, केस स्टडी। ये बहुत बड़ी केस स्टडी है, स्ट्रेस के क्या डिसएडवांटेज हैं ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस अगर हो रहा है कि क्या क्या डिसएडवांटेज हैं प्रोडक्शन में, सेफ्टी में, जो भी। तो ये जो है इसकी केस स्टडी से हम समझ सकते हैं दोस्तों, डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेस। टी 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 एम को आप छोड़ दो अभी, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू रिपोर्ट और एक्सीडेंट नियर मिस। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या नियर मिस हो रहा है तो हाउ टू रिपोर्ट कैसे करोगे। ऐसे नहीं है कि ओरल तो दोगे नहीं, उसके लिए एक बकायदा चेकलिस्ट होती है, वो भर के जाती है। उस चेकलिस्ट में क्या क्या होती है, क्या क्या हमें लिखना होता है, टाइम, डेट, किस सेक्शन में हुआ, उस समय उसका जो है शिफ्ट इंचार्ज कौन था, वो बकायदा एक रिटेन वो होता है, फॉर्मेट होता है। तो कैसे हम रिपोर्ट करते हैं कोई एक्सीडेंट होता है तो वो हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉल्ट ट्री एनालिसिस एंड फॉल्ट ट्री एवेंट। जो फॉल्ट जो हम ये दोस्तों फॉल्ट ट्री एनालिसिस और वर्सेस फॉल्ट ट्री इवेंट दोनों में डिफरेंट पूछा जाता है। ये दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं तो उस केस में ये यूज होता है। व्हाट इज सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड इट्स टाइप। आप देखोगे कि बहुत हमारी सेफ्टी जो है इंस्पेक्शन होती है और कितने टाइप की सेफ्टी इंस्पेक्शन होती है वो पूछा जाता है। व्हाट इज सेफ्टी टैग, व्हाट इज सेफ्टी टैग एंड इट्स टाइप। सेफ्टी टैग क्या है और उनके टाइप क्या है। सेफ्टी टैग आप जानते हो कि जैसे ही आप किसी भी प्लांट में एंटर होते हो तो कहीं डेंजरस लिखा होता है, कहीं वार्निंग लिखा होता है, कहीं काउंसन लिखा होता है, या बहुत सारे ऐसे टैग हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। PRA क्या होता है, प्रीलिमिनरी रिस्क एनालिसिस, ये क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। व्हाट इज रिस्क मैट्रिक्स, ये अगर आप समझ गए तो हीरा नंबर या JSC वगैरह सारी चीज़ें आप आराम से कर दोगे। ये हमारे रिस्क मैट्रिक्स अगर समझ गए तो, जिसमें हम चाइल्डहुड या ऐसे इवेंट जो घटनाएं जो तो रोज होते हैं या 2 साल बाद आते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 साल बाद आती है या जिनकी फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो वो सारे रिस्क मैट्रिक्स में आएंगे, वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसमें क्या है कि इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट और इंजरी सेवेरिटी रेट दोनों में अंतर क्या है। इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट और इंजरी सेवेरिटी रेट में दोनों में अंतर क्या है वो बताया जाता है, पूछा जाता है। करेक्टिव एक्शन वर्सेस प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन में क्या डिफरेंट है, इनको कैसे डिफाइन करेंगे वो पूछा जाता है। व्हाट इज एग्जीबिशन एंड इट्स हजार। एग्जीबिशन क्या होता है दोस्तों, जैसे खुदाई है, खुदाई कब करते हैं, क्यों करते हैं, और उस खुदाई के वक्त क्या हजार्स हैं। आप जानते हो कि कहीं भी अगर कंपनी है, अगर आप अपने खेतों में खुदाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी में अगर आप जानते हो खुदाई करोगे तो उसमें जो है आईटी जो है आईटी सेक्टर के केबल वगैरह हो सकती हैं, या प्लांट की मोटर, या कोई भी ट्रिपलोज कोई भी वायर वगैरह उसमें हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्स भी है,
कम्युनिकेशन जो है, केबल वगैरह हो सकती हैं, या ऐसे बहुत सारे हैं सब जो एग्जीबिशन में हजार्स में आती हैं, तो वो हम पूछा जाता है और हम बता भी देंगे। सेफ्टी ड्यूरिंग एग्जीबिशन वर्क करते वक्त क्या क्या सेफ्टी हमें रखना है, यानी कि खुदाई अब कर रहे हैं तो क्या क्या हमें सेफ्टी रखना है। कहीं की खुदाई करते वक्त जो है उस मिट्टी का ढेर को पास में ही ऊंचा करते जाते हैं, और वो एक जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो सीधे गिर जाता है नीचे ही, अगर नीचे व्यक्ति काम करता है तो धस जाता है, मतलब ढक जाता है पूरी मिट्टी से। तो ये कैसे कैसे वो हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग एग्जीबिशन वर्क परमिट और एग्जीबिशन वर्क, वो हम देखेंगे। इसके फोल्डिंग चेकलिस्ट पॉइंट, ये तो रूटीन काम है, ये कहीं भी एग्जीबिशन सॉरी ये अपना इसके फोल्डिंग लगेगी, कहीं भी हाइट वर्क होगा तो इसके फोल्डिंग लगनी ही लगनी है, तो इसका फोल्डिंग सही है या नहीं सही है इसकी जानकारी हमें कैसे पता होगा, और कौन कौन से पॉइंट हम देखते हैं, जो पिलर होते हैं पिलर के बीच का जो एंगल होता है कितना होना चाहिए, वो हमें देखना है दोस्तों कैसे क्या क्या होगा। एनओडी, एनओडी क्या है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएशन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएशन क्या है इसके बारे में पूछा जाता है और हम आगे चलते तो बताएंगे। व्हाट आर सेफ्टी पिलर, सेफ्टी पिलर क्या है वो पूछे जाते हैं, और सेफ्टी पिलर में चार पांच या सात ऐसे पिलर हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो हजार्ड्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से हमारा दो क्वेश्चन छूट रहा है, ये जो हमारा TTTM और एक है हमारा व्हाट इज रेट आउट। दोस्तों व्हाट इज रेट आउट, ये पर्सनल सेफ्टी है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ पर्सनल सेफ्टी है। पर्सनल यानी कि आपकी सेफ्टी के लिए ये है दोनों चीजें। व्हाट इज रेट आउट मतलब होता है कि चुगली करना क्या है, तो ये है पर्सनल हजार्ड्स या पर्सनल सेफ्टी पे है, ये है वीडियो में, ये अलग तरह से मैंने अपना खुद इसमें इंटर किया है दोनों चीजों को। तो सबसे पहले रेट आउट को समझते हैं कि चुगली करना क्या होता है। दोस्तों प्लांट में क्या है कि आप अपनी सेक्रेट कोई भी अगर आपकी वीकनेस है या कुछ आपसे नुकसान हुआ है या कुछ कहीं पे आपने गलतियां की हो, अगर वो कितनी भी जिगरी दोस्त हो या क्लोज फ्रेंड हो या कहीं भी कोई भी हो, अगर आप उसको बता दे रहे हो तो वो चुगली कर देगा, यानी रेट आउट कर देगा बॉस के जरिए, और आपको डांट सुननी पड़ सकती है। ये मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं या तो साथ में खाना खाते वक्त या कुछ ऐसे में अपना सीक्रेट या कुछ चीज़ें जो मेरे निगेटिव पॉइंट है मैंने शेयर की और वो बता दे। दोस्तों इससे इसमें रेट आउट क्या होता है, चुगली करना क्या होता है, क्या चुगली करने वाला व्यक्ति लाइफ में सक्सेस होता है या नहीं होता है, ये एक केस स्टडी के द्वारा मैं समझाऊंगा कि जो व्यक्ति चुगली करके अच्छी पोजीशन में था फिर उसकी कैसी ली गई, मतलब ऐसे टॉर्चर किया गया उसे ही, और उसके कर्मों का जो फल कर्मा जिसे कहते हो वो मिला, ये बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। रेट आउट करना बहुत ही बुरी चीज़ है, और आप अपने जो है सेक्रेट अपने पास ही रखो तो सही रहेगा। और ये जो है इस पे मैंने केस हिस्ट्री तैयार की है रेट आउट में, और वो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा इन फ्यूचर, जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट है हमारा ये TTTM, ये भी पर्सनल सेफ्टी है दोस्तों। TTTM का मतलब होता है ताबड़तोड़ तेल मालिश, यानी कि तेल मालिश जिसे आप अंग्रेजी में बटरिंग कहते हो, कि बॉस भले ही अच्छा ना हो उसे अच्छा बताना, बॉस बॉस अगर गधे है गधा है, अगर बॉस कह रहा है कि ये गधा नहीं डॉग है तो उसे डॉग कह, आपका भी अपनी सेफ्टी चाह रहे हो तो उसे डॉग कहो। इगोइस्टिक पर्सन के लिए जो है ये TTTM काम आता है, ताबड़तोड़ तेल मालिश, यानी कि जहाँ पे क्या है कि इसमें इस टॉपिक पे मैं आपको ढेर सारे प्लांट में जो होने वाली एक्टिविटी हैं और प्लांट में कैसे कैसे इसका लोग यूज करते हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं इसमें, जो क्या क्या दोहा बनाया गया है प्लांट में, वो सब शेयर करूँगा। जैसे कुछ हाईलाइट पॉइंट ये होते हैं कि जैसे लेकिन वो यार नॉनवेज टाइप का है तो वो बता नहीं सकते, अगर आप सुने हो कि हाथ बंद नहीं हुआ काम तो वो छोड़ो। इसके अलावा बहुत कुछ इसमें कहा जाता है कि लुक बिजी डू नथिंग, यानी अपने आप को बिजी दिखाओ लेकिन कुछ ना करो,
या दोहा वगैरह है वो मैं आपको बताऊंगा। और TTTM ताबड़तोड़ तेल मालिश जो है प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिट, ये अच्छी है या नहीं है, TTTM करना, बटरिंग किसी को करना या ऑयलिंग करना अच्छी है या नहीं, आप अपने वे से मुझे बताना। मेरे वे में तो भाई बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो दोस्तों मुझसे इंटरव्यू में भी ये पूछा गया कि आपकी वीकनेस क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं अपना काम निकालने के लिए किसी की हम बटरिंग कर देते हैं, यानी कि खुशामत कर देते हैं, मतलब वो वैसा नहीं है फिर भी उसको वैसे बताते हैं, जैसे गधे को बाप भी बनाते हैं। अपना काम निकालने के लिए सर मेरी यही वीकनेस है कि अपना काम निकालने के लिए मैं गधे को भी बाप बना लेता हूँ, या अपना काम निकालने के लिए किसी की जो है ये TTTM कर देता हूँ, ताबड़तोड़ तेल मालिश कर देता हूँ, वो खुश हो जाता है, मेरा काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जहाँ भी गया तो मेरा काम बहुत इजी हो गया। अगर बॉस भले ही देखने में बेकार है, अगर हाँ सर क्या अच्छे लग रहे हो सर, तो वो काम निकल गया। इसके पीछे एक दोहा भी है, बहुत अच्छा दोहा, वो मैं शेयर करूँगा और उस वे में मैं समझाऊँगा कि ये अपना TTTM मेरे हिसाब से तो सही है। क्योंकि अगर आप दोस्तों इन्वायरमेंट में रहना है, उसी इन्वायरमेंट में रहना है, अगर वहीं पे आप दुश्मन बना के चलोगे तो दिक्कत होगी ना दोस्तों। तो बॉस को जो अच्छा लगे वो उसके रास्ते चलो, बॉस को जो अच्छा लगे वो खुशामद करते जाओ, अपना काम निकालते जाओ, बात खत्म। तो एक तरह से TTTM मेरे लिए बेटर है, आपके लिए क्या है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस पे दोनों पे मैं वीडियो बनाऊंगा, प्लांट में कैसी कैसी बातें होती हैं, कैसी कैसी बातें नहीं होती हैं, रेट आउट का क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है। लेकिन दोस्तों रेट आउट मैं कभी नहीं करता, लेकिन ये तो है कि हाँ खुशामद कर देता हूँ। कोई चीज़ पूछनी होती है सीनियर से कि सर मैं जानता हूँ कि सीनियर उस मूड में नहीं है, उस मूड में लाने के लिए मुझे उनकी थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, खुशामद करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक्साइटेड होके बताएंगे। तो ये कर देते हैं, TTTM करते हैं तो सामने वाला सही हो जाता है। तो आई होप आप TTTM क्या है ये मेरे द्वारा बनाया गया है वर्ड्स हैं, और रेट आउट भी क्या है ये भी मैंने ही देखा है, और मैं जितना अफेक्टेड हुआ हूँ रेट आउट में वो आपको जरूर मैं अवेयरनेस उसके बारे में कराऊंगा। और आई होप आप भी रेट आउट से बचोगे, अगर आपके पास हैबिट है तो प्लीज़ उसे रिमूव करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।